वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल फ्रेंड्स हमारा आज का टॉपिक है इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट ह्यूमन बॉडी पार्ट्स आज के इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स हम जो है ज़्यादा इन डिटेल में नहीं जाएंगे खाली जो है जो एम हैं जो भी फैक्ट्स हैं उनको रीड आउट करेंगे और यू हैव टू अंडरस्टैंड ठीक है बिकॉज हमारे पास समय नहीं है कि हम जो है इन डिटेल में डिस्कस करें सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट सबसे पहले है फैक्ट्स Your mouth produces about 1 liter of saliva each day. Second is your brain is sometimes more active when you are asleep than when you are awake. Next is laid end to end. An adult's blood vessels could circle Earth's equator four times. Next is the word muscle comes from Latin term meaning little mouse. विच इज़ वट एनशंट रूमस थाट फ्लैक्सड बाई सेप मसल नेक्स्ट इज इसमें जो है बर्ड मसल जो है कम्स फ्राम लेटिन टर्म मीनिंग लिटिल माउस यही आपके काम का है उसके बाद में है बॉडीज गिव ऑफ ए टाइनी अमाउंट ऑफ लाइट दैट्स टू बिग फॉर द आई टू सी नेक्स्ट इज द एवरेज पर्सन हैड सिक्सटी सेवन डिफरेंट स्पीसीज Of bacteria in their valley, button next is you lose about 4 kg of skin cells every year. Next is babies don't shed tears until they are at least one month old. Next is information zooms along nerves at about 400 km per hour. Information zooms along nerves at about 400 kilometer per hour next is the human heart beats more than 3 billion times in an average the human heart beats more than 3 billion times in an average lifespan next is your left lung is about 10 percent smaller than your right one next is human teeth

आर लाइफ बिगिनस विद अ सिंगल यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका सेल नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ ए सेल इज़ द इसका जो राइट आंसर क्या होगा आपका न्यूक्लियस ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्किन ईयर्स एंड किडनीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ स्किन ईयर्स एंड किडनीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ तो यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका वो क्या होगा आपका ऑर्गन्स ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर दैट इज ऑर्गन्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डैश सिस्टम रिमूव्ज बेस्ड प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी तो यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका दैट इज डाइजिव उसके बाद में एक्सक्रेटरी और इन टैगूमेंट्री यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर दैट इज ऑल ऑफ थीज द डाइजेस्टिव एक्सक्रेटरी एंड इन सिस्टम रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑल ऑफ थीज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन इज ए या फिर एन यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका वो है टिश्यू Option B is the right answer. A group of similar cells performing the same function is a cell, uh, is a tissue. A group of similar cells performing the same function is a tissue. Next question is a type of joint in your knee is a कौन सी टाइप का होता है वो ये पूछा गया है तो नी में बोला गया है तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट right ऑप्शन बनता है वो है आपका ऑप्शन बी दैट इज हिंज नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइप ऑफ ज्वाइंट फाउंड इन योर शोल्डर इज ए डैश ज्वाइंट तो कौन सा होता है जो शोल्डर में होता है वो कौन सा होता है वो होता है आपका बाल एंड शॉकेट ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर ये आप याद रखना फ्रेंड्स नी में हो गया आपका हिंज और शोल्डर में आपका हो गया बाल एंड सॉकेट नेक्स्ट इज वन इम्पार्टेंट फंक्शन ऑफ बोन्स इज टू प्रोड्यूस तो यहाँ पे क्या करती हैं बोन्स क्या इम्पॉर्टेंट फंक्शन है तो वन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बोन्स इज़ टू प्रोड्यूस ब्लड सेल्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रीदिंग हार्ट बीटिंग एंड फूड डाइजस्टिंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्टिविटीज यूजिंग डैश टाइप ऑफ मसल्स तो ब्रीदिंग हार्ट बीटिंग एंड फूड डाइजस्टिंग आर एग्जैम्पल्स ऑफ एक्टिविटीज यूजिंग डैश टाइप्स ऑफ मसल्स तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर नाइन का वो होगा आपका इन वोलेंट्री ऑप्शन बी इन वलेंट्री टाइप ऑफ मसल्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉकिंग रनिंग एंड कैरिंग ए बॉडी ए बुक इन्वॉल्व यूजिंग डैश टाइप ऑफ मसल्स वॉकिंग रनिंग एंड कैरिंग ए बुक इन्वॉल्व यूजिंग डैश टाइप ऑफ मसल्स कौन से मसल्स होते हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वो है आपका बलंट्री ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्डिक मसल टिशू कैन बी फाउंड इन यूर कार्डिक टिशू जो कार्डिक मसल टिशू जो है वो कहाँ पर होता है तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका हर्ट कार्डिक जो मसल है टिश्यू वो कहाँ पे होता है कार्डिक मसल टिश्यू होता है हर्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्किन हेल्प्स द बॉडी मेंटेन अ स्टडी डैश थ्रू प्रेस्परेशन एंड यहाँ पे जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इसका पूछा गया है कि स्किन हेल्प्स द बॉडी मेंटेन अ स्टडी डैश थ्रू प्रेस्परेशन एंड प्रेस्परेशन एंड इनलैजिंग ऑफ ब्लड बेसल्स हेयर द राइट आंसर इज़ यहाँ पर राइट आंसर बनता है क्वेश्चन ट्वेल्व का सी दैट इज टेम्परेचर यहाँ पर टेम्परेचर लिखा नहीं है सो so, यहाँ पर जो राइट right आंसर आपका होगा वो होगा आपका टेम्परेचर ठीक है सो ये थे आज के एम सी क्यूज़ आई होप आपको ये एम सी क्यूज़ जो है वो अच्छे लगेंगे फ्रेंड्स इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर